Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labhasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to continue our series of center-state relations. Yesterday, we have discussed about the legislative relations between the center and state. And today, we are going to discuss the administrative relations between center and states. Administrative relations ki baat karein, toh humare constitution ka part 11th, jismein आर्टिकल 256 टू 263 जो है वो डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन्हीं की लाइन्स पर होता है, और इसीलिए जो सेंटर होता है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं कि वो पैन इंडिया के लिए लॉज बना सके। और पार्लियामेंट जो है वो अकेले ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पे भी काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 11th पार्ट इनको डील करता है अंडर आर्टिकल 256 टू 263। इसमें सबसे पहले बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो जो सेंटर होता है उसकी पावर पैन इंडिया में एक्सटेंड करती है ऑन द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन यूनियन लिस्ट। जो मैटर्स यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं उन पे सेंटर की पावर जो होती है वो पैन इंडिया एक्सटेंड करती है। और इसके अलावा कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है सेंटर के द्वारा तो उस पे भी राइट अथॉरिटी या ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो सेंटर करता है और वो पैन इंडिया अप्लाई होता है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है उसको एग्जीक्यूट स्टेट करते हैं जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट इसके बारे में कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस ना दे, तब तक ऐसा ही होता है। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। इसमें आता है मेनली हमारा आर्टिकल 256, और आर्टिकल 256 जो है वो बोलता है कि स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर अकॉर्डिंग टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। जो स्टेट होते हैं वो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि जैसे जैसे पार्लियामेंट के लॉज बताते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। और आर्टिकल 257 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि स्टेट्स जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे कि वो हैं यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स को इंक्रोच नहीं करेंगे। इस वे में स्टेट्स को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना है जिससे कि यूनियन की पावर्स में कोई रुकावट या बाधा ना आए। अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर जो है वो चार मामलों में स्टेट को डायरेक्शन देता है और स्टेट को वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं। पहला है मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टेट। कम्युनिकेशन के मीन्स को कंस्ट्रक्ट करना, उनको मेंटेन करना, इस मामले में सेंटर जो भी डायरेक्शन देता है स्टेट को वो स्टेट को इम्प्लीमेंट करने होते हैं या मानने होते हैं। दूसरा जो है वो रेलवेज की प्रोटेक्शन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो स्टेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको मानते हैं। और तीसरा जो है वो प्राइमरी लेवल पर मदर टंग को प्रमोट करना। और चौथा जो मामला होता है जिस पर सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देता है वो होता है वेलफेयर स्कीम्स जो चलती हैं इनके लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए स्टेट्स में, उन पे जो भी इंस्ट्रक्शन सेंटर की तरफ से आते हैं वो स्टेट्स को मानने होते हैं। और इन सारे मैटर्स के लिए जो भी खर्चा स्टेट का होता है वो सारा खर्चा पार्लियामेंट उठाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो इसमें मेनली बात आती है आर्टिकल 258 की, और 258 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से अपना ऑफिस जो है वो डेलीगेट कर सकता है फंक्शन करने के लिए स्टेट में कंडीशनली या अनकंडीशनली। लेकिन ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जहां पे स्टेट के पास पावर नहीं होती है कि वो कुछ उस पर बोले, तो उसके लिए आर्टिकल 258 के क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट अपने आप ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथराइज कर देगा कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर।
अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें मेनली टू आर्टिकल्स की बात की जाती है। पहला आर्टिकल है 262, जिसमें कि ये बोला गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो स्टेट्स के बीच में होने वाले रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले में एडजुडिकेट कर सकता है। और अगला आर्टिकल है 263, जिसमें कि ये बोला गया है कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकता है सेंटर स्टेट के मामले में, जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हों उन मामलों में प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकता है। और एक और बात इसमें आती है, वो है पार्लियामेंट जो है वो एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर सकता है, जिससे कि स्टेट और सेंटर के बीच में ट्रेड और कॉमर्स जो है वो स्मूथली चलता रहे। अगला पॉइंट हमारा है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें बात की जाती है आर्टिकल 312 की। इसके अंडर राज्यसभा जो है अगर रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से, और इसमें यह बोला जाए कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए, तो जो पार्लियामेंट है वो एक ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर देगा लॉ बनाकर। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में। तो हमारे यहाँ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। और हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि रिमेडियल प्रोसीजर जो है वो उसमें डाइवर्सिटीज ना आए। हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, वो प्रेसिडेंट करते हैं। और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर से भी राय ली जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जज हैं उनसे भी प्रेसिडेंट राय लेता है, फिर उनको अपॉइंट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके चेयरमैन और मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन इनका जो रिमूवल होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। और इस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो स्मूथली रन करती हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है, जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ये डिफाइन किया हुआ है। पार्लियामेंट जो है वो एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश कर सकता है अगर टू या इससे ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें तो, और उनके जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद में जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी अगर स्टेट बोलते हैं या स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करता है कि उनके यहाँ पे वो सर्व करें तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेके जो यूपीएससी है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट्स में भी सर्व कर सकता है या हेल्प कर सकता है कमीशन के मामलों में। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। तो इसमें हम लोग जाते हैं इस मामले में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कम्प्लीटली हावी हो जाती है। और आर्टिकल 352 की बात करें अगर, तो इसमें सेंटर जो है वो स्टेट्स को डायरेक्शन देता है किसी भी मैटर पर, और इसमें जो है हमारी स्टेट असेंबली सस्पेंड नहीं होती है। इसके बाद में अगर आर्टिकल 356 की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट के पास सारी पावर जो है वो स्टेट की चली जाती हैं। और जो आर्टिकल 360 है यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, इसमें प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल मामलों में स्टेट को इंस्ट्रक्शन देता है, और प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी है वो रिड्यूस भी कर सकता है इस मामले में। और इसके बाद में सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस का। हमारे यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल नीति आयोग जो है वो आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ आती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस में, और जोनल काउंसिल भी आते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। स्टेटमेंट नंबर 1, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। स्टेटमेंट नंबर 2, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। And statement number 3 is President can establish a joint state public service commission for two or more states on the request of the state legislatures concerned. President जो है वो एक joint public service commission को establish कर सकता है यदि दो या दो से अधिक state request करें तब। Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. And option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग comment section में अपना answer दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।